नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और मैं आज आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। ट्विटर का प्रयोग हम में से बहुत से लोग करते हैं और हो सकता है आप भी उसका प्रयोग करते हैं होंगे। तो आपसे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि ट्विटर में अभी अभी बताया जा रहा है कि एक बग आ गया है और हैकर्स ने बहुत सारे लोगों के कंट्री कोड चुरा लिए हैं। कंट्री कोड जो होता है वो देश की पहचान के लिए होता है। जो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हैं ट्विटर के साथ, तो उसमें आपका कंट्री कोड होता है। तो जो ट्विटर के द्वारा बताया जा रहा है कि ट्विटर यूज़र्स के कंट्री कोड को लीक किया गया है इस बग के द्वारा। अर्थात बग वो होता है जो कि कोडिंग में छोटे मोटे चिन्ह होते हैं और छोटे मोटे कोड होते हैं जिनको डाल दिया जाता है और इनको बग कहा जाता है। जो बग होते हैं, एक तरह से समझिए कि कोई, मान लीजिए किसी के पास कोई सामान है और उसमें कोई कीड़ा या कोई अलग तरह का चीज़ छोड़ दिया जाए जो कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह किसी अनवांछित व्यक्ति के पास भेजता हो, एक तरह से समझिए गुप्तचर की तरह होता है जो बग होता है। तो इसको किन्हीं हैकर्स ने सिस्टम में डाल दिया है, जो ट्विटर का सिस्टम है उसमें डाल दिया है और उस बग अर्थात गुप्तचर के द्वारा, जो जासूस होता है उसके द्वारा भेजा जा रहा है किन्हीं अन्य को। तो ट्विटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कुल 33.6 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र हैं ट्विटर के। तो ये बताया जा रहा है ट्विटर के द्वारा कि इनका ही डाटा लीक हुआ है कंट्री कोड का, बाकी डाटा लीक नहीं हुआ है। ट्विटर में बहुत सारे डाटा होते हैं, आपका नाम होता है, पता होता है, आपका एज होता है, ईमेल एड्रेस होता है और भी कुछ जानकारियाँ होती हैं, आपका जन्मतिथि होता है जो आपने सही डाला हो तो वो होगा, अथवा कुछ लोगों ने अपना जन्मतिथि इत्यादि का इन्फॉर्मेशन गलत डाला है तो उनको इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने सही सही जानकारी भरी हुई है ट्विटर पे, उनके लिए ये परेशानी है कि उनका जो डेटा है, सिक्योर डेटा जो माना जाता है, वो लीक हो गया है। तो इसके साथ साथ ट्विटर ने ये तो सिर्फ बताया है कि कंट्री कोड लीक हुआ है, लेकिन और विस्तृत विवरण इसके बारे में नहीं पता चला है। तो जैसे ही पता चलेगा हम आपको अपडेट देंगे। इसमें जो इस तरह का जो हैक हुआ है और जो बग आया है सिस्टम में ट्विटर के, उसके कारण ये खबर आने के बाद अमेरिका के शेयर बाज़ारों में ट्विटर के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। लगभग 7% की गिरावट आ गई है और ये बहुत बड़ी गिरावट कही जा सकती है। एक ही दिन में 7% की गिरावट होना, यानी कि बाज़ार को भी लग रहा है कि जो अंदेशा है, जो बात है, वो और भी बड़ी है। इससे पहले फेसबुक में भी इस तरह की शिकायत आई थी, कुछ डेटा लीक हुए थे। मई माह में ट्विटर में एक और प्रॉब्लम हुई थी, अर्थात जो बग था वो लोगों के पासवर्ड वगैरह को एक फाइल में शेयर करता था जिसे बाद में करेक्ट कर लिया गया था। और अब ये नया परेशानी आया है, तो देखना होगा कि आने वाले समय में और किस तरह से हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथियों कि आपको अपना जो डेटा है वो सिक्योर रखना है, आपको अपने मोबाइल अपडेट रखने हैं, आपको अवांछित जो सॉफ्टवेयर है वो भी नहीं डालने हैं। ये जो बग है इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बग आया है उनके सिस्टम में, ट्विटर के सिस्टम में, जिसके कारण ये परेशानी हुआ है। लेकिन यदि आपने अपना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इत्यादि ट्विटर पे रखा होगा तो वो ध्यान रखिए कि आप बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को नेट पे कभी शेयर ना करें। जहाँ तक हो सके उसे अपने पास रखें, अपने जानकारी में रखें और इंटरनेट पर शेयर करने से पहले देख लें कि कहीं ये डेटा लीक होता है तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। और अधिक से अधिक सुरक्षात्मक उपायों को अपनाएँ और अपने पासवर्ड निश्चित तौर पर आप बदलते रहें समय समय पर। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है आपके मोबाइल पे होता है या लैपटॉप पे होता है तो उसका पासवर्ड ज़्यादातर हम सेव कर लेते हैं सिस्टम में ही, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है इस प्रकार की परेशानियों के आने पर। तो अपना जो पासवर्ड है वो ज़रूर अपडेट करें, सिस्टम को भी अपडेट करते रहें समय समय पर, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। तो इस प्रॉब्लम के संबंध में हमें कोई भी जानकारी और मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी जो जानकारी मिली है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है जो कंट्री कोड है वो लीक हुए हैं। कंट्री कोड अर्थात लोगों की पहचान इस प्रकार से गई है कि अब जो हैकर है वो ये पहचान सकता है कि कौन सा यूज़र किस देश का है। और अगर सिर्फ इतनी ही जानकारी लीक हुई है तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सिर्फ हैकर ये जान सकता है कि किस देश में ट्विटर के कितने यूज़र हैं और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी प्रकार की बात होगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि इससे कोई बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं, 33 करोड़ जो लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, 33.6 अर्थात कहिए 34 करोड़ जो लोग हैं एक्टिव यूज़र हैं मंथली,
ये बहुत बड़ी संख्या है और इन्होंने अपनी जानकारियां एंटर्ड की होगी ट्विटर के मैसेजेस इत्यादि में, तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या होगा। इसके साथ साथ फेसबुक में भी कुछ परेशानियां आई थी, जिसे बताया गया था कि उनके फ़ोटोज़ लीक हुए थे जिनको उन्होंने अपलोड नहीं किया था। इस प्रकार के फ़ोटो थे जो अपलोड नहीं किया था, लेकिन यूज़र्स ने बिना अपलोड किए फ़ोटो को अवांछित तत्वों के द्वारा एप्लीकेशंस के माध्यम से अपने पास बुला लिया था और फ़ोटोज़ जो है थे वो लीक हो गए थे। शेयर उन्होंने भले ही नहीं किया लेकिन हैकर्स ने उन्हें शेयर कर लिया था। इसी प्रकार की परेशानी ट्विटर की भी है, लोगों ने अपने कंट्री कोड इत्यादि शेयर नहीं किए हुए थे लेकिन इन्होंने लॉक्ड सिस्टम में भी कंट्री कोड निकाल लिया है। तो आने वाले समय में सिक्योरिटी के संबंध में और अधिक जो जानकारियाँ होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की जानकारियाँ लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी है, आपसे संबंधित है। तो हम इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई जानकारी जो हमारे पास होगी हम आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी हमने लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना प्यार और सहयोग हमें इसी प्रकार प्रदान करें जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो तब तक के लिए मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।